Assalamu alaikum. This is the fifth lecture of power distribution and utilization. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू लुक एट लोड ड्यूरेशन कर्व एंड लोड प्रोफाइल. सबसे पहले लोड कर्व्स और लोड ड्यूरेशन कर्व बेसिकली होते क्या है, एक और बार इनको रिफ्रेश कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं. लोड कर्व बेसिकली ये बताता है हमें कि लोड किस तरह बिहेव कर रहा है 24 घंटे में, एक्चुअली क्या लोड किस टाइम पे क्या आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 बजे कोई 4 किलो केवीए यूज कर रहा है तो हम वहां पे 4 केवीए का ही ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे. 5 बजे 6 केवीए यूज कर रहा है, 7 से 8 और 8 से 9 वो 4 केवीए फिर से यूज कर रहा है तो उसको वापस 4 केवीए पे लेके आ जाएंगे. तो लोड ड्यूरेशन कर्व हमें बताता है कि कौन सा लोड कब यूज हो रहा है, कितना लोड कब यूज हो रहा है. जबकि लोड ड्यूरेशन कर्व जो बात हमको बताता है वो ये बताता है कि मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल कितना लोड कितनी देर यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि एक घर है जहां पे सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक 4 किलोवाट यूज होता है, जबकि रात 8 से रात 12 तक 12 किलोवाट यूज होता है और 12 से लेके सुबह 8 तक फिर 6 किलोवाट यूज होता है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना लोड कितनी देर यूज होता है तो आप ये बताएंगे कि 12 किलोवाट जो है वो 4 घंटे यूज होता है, इसके बाद 6 किलोवाट जो है वो 6 घंटे 8 घंटे यूज होता है, और इसके अलावा 12 घंटे जो है हमारे पास वो 4 किलोवाट यूज होता है. तो ये हमारे पास लोड ड्यूरेशन कर्व आ जाएगा. लोड ड्यूरेशन कर्व हमेशा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, मतलब जो इतना सबसे ज्यादा लोड होता है, जो पीक लोड होता है उसको हम सबसे टॉप पे रखते हैं और बाकी जो हमारे पास मिनिमम लोड होता है उसको हम सबसे बॉटम पे रखते हैं. तो ये हमारे पास डिसेंडिंग कर्व बनता है. अब लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते कैसे हैं, इस स्लाइड में हम लोग इसी चीज को सीखेंगे. की तरफ ये वो एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने लोड कर्व के लिए भी देखी थी. इस एग्जाम्पल में हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के लोड दिए हैं. स्ट्रीट लाइट्स का लोड है, रेजिडेंशियल लोड है, कमर्शियल लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है और एग्रीकल्चर लोड है. हम लोगों का फोकस इसमें 3 लोड्स पर है, स्ट्रीट लाइट्स, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर लोड. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में फोकस में नहीं लिया हुआ. तो इस एग्जाम्पल को फोकस करते हुए हम लोगों ने अब लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना है. लोड कर्व हम ऑलरेडी इसका पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, इस स्लाइड में हम लोग इसका लोड ड्यूरेशन कर्व बनाएंगे. अब अगर मैं इसके लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करूं तो इसके लोड ड्यूरेशन कर्व को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि मैंने लोड्स को अरेंज करना होगा. फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स मेरे लिए बहुत सिंपल है, 80 किलोवाट के ही लोड है, इसके अलावा जीरो लोड है. तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सिर्फ 2 तरह के लोड है, एक 80 किलोवाट का लोड है, एक जीरो लोड है. तो मैंने इसमें बड़े आराम से इनको स्ट्रीट लाइट्स को उस तरह से अरेंज कर सकता हूँ. 80 किलोवाट मेरे पास 6 घंटे 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 घंटे मेरे पास स्ट्रीट लाइट्स का लोड 80 किलोवाट है और इसके अलावा 12 घंटे कुछ भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही. इसके अलावा अगर मैं रेजिडेंशियल कस्टमर्स में आऊं तो रेजिडेंशियल कस्टमर्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करूंगा. सबसे बड़ा लोड हमारे पास यहाँ पे 1000 किलोवाट का, तो 1000 किलोवाट हमारे पास सबसे ज्यादा लोड है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा. 1000 किलोवाट कितनी देर यूज हो रहा है, 1000 किलोवाट हमारे पास टोटल 2 घंटे यूज हो रहा है, 7 से 8 बजे और 8 से 9 बजे के दरमियान. जबकि इसके बाद हमारे पास जो अगला लोड आता है वो आता है 800 किलोवाट 800 किलोवाट जो हमारे पास यूज हो रहा है 2 घंटे 8 से 9 और 6 से 7 बजे के दरमियान, बल्कि 3 घंटे यूज हो रहा है. उसके 9 से 10 बजे के दरमियान भी इसको यूज किया जा रहा है. इसके बाद हमारे पास 700 किलोवाट है और 700 किलोवाट टोटल हमारे पास 2 घंटे यूज हो रहा है, सुबह 6 से सुबह 8 तक. तो हम इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी इनफॉर्म्स को अरेंज कर लेंगे. अगर एग्रीकल्चर लोड को देखें तो उसको भी हम लोग सिर्फ 3 तरह के लोड हैं, 600, 400 और 0. तो डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो 600 सबसे टॉप पे आएगा, उसका 400 आएगा और लास्ट में हमारे पास 0 आएगा. इसको हम बेसिकली अरेंज इस तरह से करते हैं. देखें स्ट्रीट लाइट्स के लोड में हम लोगों ने 80 किलोवाट और 0 में यूज किया हुआ है. 80 किलोवाट हमारे पास टोटल 12 घंटे यूज हो रहा है. अब किस टाइम यूज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना टाइम यूज हो रहा है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है. तो 80 किलोवाट हमारे पास 12 आवर्स यूज हो रहा है, हम लोगों ने पहले उस चीज को मेंशन कर दिया. उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स में हमारे पास अगला लोड बिल्कुल भी जीरो है, तो जीरो लोड हमारे पास टोटल 12 घंटे यूज हो रहा है, टोटल हमारे पास 24 आवर्स का लोड आ गया. रेजिडेंशियल लोड को अगर देखें तो 1000 सबसे ज्यादा है, उसके बाद 800 है, देन 700 है, देन 600 है, देन 500 है और उसके बाद 200 हमारे पास लोड की फॉर्म में आता है. 1000 हमारे पास टोटल 2 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, जबकि उसके बाद अगर हमारे 800 हमारे पास 3 आवर्स के लिए यूज हो रहा है. तो जब हम प्लॉट करने के लिए जाएंगे तो हमें ये फिफ्थ पॉइंट पे जाके प्लॉट हो जाएगा. 700 हमारे पास 2 घंटे के लिए यूज हो रहा है, हमने 2 घंटे वहां पे इनपुट कर दिए, टोटल हमारे पास 7 घंटे हो गए. 600 किलोवाट हमारे लिए फिर से 2 घंटे यूज हो रहा है, तो हमने उसको 2 को वहां पे ऐड किया तो हमारे पास टोटल
9 घंटे आ गए, 500 किलोवाट वी आर यूजिंग इट फॉर 9 आवर्स, हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास टोटल 18 घंटे आ गए, और 200 किलोवाट हमारे पास 6 घंटे यूज हो रहा है, जब उसको ऐड अप किया तो वी एंड अप विद 24 आवर्स। जबकि अगर एग्रीकल्चर लोड की बात करें, यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के लोड चल रहे हैं, 600 किलोवाट है, 400 किलोवाट है और जीरो है। जब इन सबको ऐड किया तो देखा ये भी टोटल 24 आवर्स की हमें प्रेडिक्ट मतलब लोड प्रोफाइल दे रहा है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व और लोड कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस जब ड्रॉ करेंगे तो इस चीज का आपको आइडिया आएगा। सबसे पहले एक्सेस हमारे पास सेम तरह रहता है, एक्स एक्सेस में हमारे पास आता है लोड टाइम, वाई एक्सेस में हमारे पास आता है लोड। अब यहाँ पे जो टाइम है, वहां पे जो टाइम था लोड कर्व में वो था एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आ रहा है यार है नंबर ऑफ आवर्स, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स तक लोड को यूज किया जा रहा है। और लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैक्सिमम लोड आएगा, फिर उसके कम, फिर उससे कम, और आखिर में आते हुए मिनिमम आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लेंगे स्ट्रीट लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट्स हमारे पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लोड है, 12 घंटे के लिए 80 किलोवाट यूज हो रहा है, उसके बाद हमारे पास कोई लोड यूज नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने 80 किलोवाट की लाइन 0 से लेके 12 तक प्लॉट कर दी एंड दैट शिट, हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर स्ट्रीट लाइट्स इज फिनिश्ड। अगली एग्जांपल हमारे पास आती है रेजिडेंशियल लोड की। अब रेजिडेंशियल लोड में अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल लोड में हमारे पास 1000 किलोवाट हम लोगों ने देखा था शुरू के 2 आवर्स यूज हो रहा था, 2 आवर तक हम 1000 किलोवाट पे ले गए, फिर हमारे पास नेक्स्ट 3 आवर्स 800 किलोवाट यूज हो रहा था। डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो पहले हमारे पास 1000 किलोवाट था, फिर 3 घंटे के लिए हम लोग ओवरऑल 800 किलोवाट यूज कर रहे थे। दिन में कभी भी यूज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस टाइम यूज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, टोटल कितना टाइम यूज हो रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 800 किलोवाट हमारे पास टोटल 3 आवर्स यूज हो रहा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमारे पास था 700 किलोवाट जो कि हम लोग टोटल 2 आवर्स यूज कर रहे थे, फिर देखें स्टेप्स बनते जा रहे हैं, सीडीओ में आते जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में 800 किलोवाट के बाद 700 किलोवाट हमने टोटल 2 आवर्स यूज किया। 700 किलोवाट को यूज करने के बाद अगला लोड हमारे पास आया 600 किलोवाट जिसको हम लोगों ने फिर से 2 आवर्स यूज किया और इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखिए टोटल हम लोग एड अप करते जा रहे हैं और इवेंचुअली हम एंड करेंगे 24 आवर्स पे, अनलाइक स्ट्रीट लाइट जहां पे हम लोगों को एड कर एंड करना पड़ा 12 पे, क्योंकि उसके बाद टोटल लोड 0 हो गया था, इसमें हमारे पास लोड पूरा एंड करेगा 24 आवर्स पे। अब आप देखते रहे, फिर 600 किलोवाट के बाद हम लोगों ने 500 किलोवाट तकरीबन को 9 आवर्स यूज किया, तो हम लोग ऑलरेडी 9 पे थे, यहां से हम प्लॉट करते करते 18 तक आ गए, तो अब हम लोगों ने टोटल 18 घंटे का लोड प्लॉट कर लिया, जो 18 घंटे में लोड प्लॉट जो 18 घंटे की लोड किस तरीके से चल रहा है, जिसमें आपके पास 1000 किलोवाट 2 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, 800 किलोवाट 3 आवर्स के लिए, 600 और 700 किलोवाट 2-2 आवर के लिए, और 500 किलोवाट टोटल 9 आवर के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आखिरी लाइन जो हमारी आती है वो आ रही है 300 किलोवाट की। 300 किलोवाट लोड हम लोग तकरीबन यूज कर रहे हैं फॉर समथिंग अबाउट 6 आवर्स, जो कि एड अप होकर टोटल 24 आवर्स पे आ जाता है। तो ये हमारे पास लोड ड्यूरेशन कर्व आ गया है रेजिडेंशियल एरिया का। अब ये लोड कर्व से कितना डिफरेंट है आप इसको उधर कंपेयर करके बड़े आराम से देख सकते हैं। लोड कर्व में हम एक्चुअल प्लॉटिंग बता रहे थे, पीक हमारी किसी और पॉइंट पे आ रही थी, लेकिन वो पीक हमारे पास 1000 किलोवाट ही थी। इसमें हमारी जो पीक 1000 किलोवाट है उसको हमने सबसे पहले रख के टोटल टाइम बता दिया कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास कितना कितना लोड आ रहा है। इससे हमें ओवरऑल हाउस मतलब लोड प्रोफाइल बनाने में बहुत आसानी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एग्रीकल्चर लोड की। एग्रीकल्चर लोड में हमारे पीक लोड था 600 किलोवाट जो कि टोटल 6 घंटे यूज हो रहा था। 600 किलोवाट सबसे पहले हम लोगों ने पुट किया, उसके बाद हमारे पास अगला था 400 किलोवाट टोटल 4 आवर्स यूज हो रहा था, उसको हम लोगों ने 4 आवर्स से प्लॉट किया, उसके बाद और कोई लोड प्लॉट नहीं हो रहा था, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे फिनिश होके 0 पे आ जाएगा। टोटल 10 आवर्स तक एग्रीकल्चर लोड चल रहा था, उसके अलावा वो क्लोज था, तो हम लोगों ने टोटल 10 आवर्स की कैलकुलेशन दे दिया। अब 10 आवर्स और 24 आवर्स में किस तरह से भी डिवाइडेड हो, वो लोड ड्यूरेशन कर्व की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोड कर्व की प्रॉब्लम है। तो लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको मेरे ख्याल में इन स्लाइड से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा कि जो बाकी दो जो लोड्स हैं कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल उसको किसी तरीके से प्लॉट करें और सीखें कि किस तरीके से लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व के डिफरेंस से प्लॉट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं लोड प्रोफाइल्स की तरफ। लोड प्रोफाइल्स क्या होती है, बेसिकली लोड प्रोफाइल्स आपके पास जैसे किसी भी लोड की लोड का बिहेवियर है, किस तरह से लोड बिहेव करता है, किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको हम लोड प्रोफाइल्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें पिंग पाकिस्तान कराची की बात करें, तो कराची में हम हर घर की हाउस लोड प्रोफाइल नहीं लेंगे, हम यूजुअली पीएमटीज की लोड प्रोफाइल लेते हैं, हर पीएमटी पे उसकी एक
लोड प्रोफाइल ले ली जाती है। अब लोड प्रोफाइल में हमारे पास चार बेसिक स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास आता है कि हम लोग जाके कनेक्टेड लोड की कैलकुलेशन करें कि पीएफटी से कितना कनेक्टेड लोड मौजूद है, ताकि हम एक अंदाजा लगा सकें हमारा पीक लोड कितना आ सकता है। कनेक्टेड लोड का यूजुअली एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70% तक पीक लोड का अंदाजा लगाया जाता है, बट इट्स अ रेंडम नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर आप देखा जाए तो कनेक्टेड लोड के 70% तक पीक लोड आ जाता है। क्योंकि अगर आप पीएमटी की बात करें तो पीएमटी से यूजुअली हो सकता है 10 घर कनेक्टेड हो या 20 घर कनेक्टेड हो, हर घर सारा का सारा लोड एक साथ तो चलाएगा नहीं, तो टोटल कनेक्टेड लोड कभी भी अचीव नहीं होगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी, बहुत कम चांसेस हैं कि टोटल कनेक्टेड लोड जो है वो आपका पीक लोड बन के आ जाए, समझे 0.1% चांस है। तो यूजुअली आपके पास जो पीक लोड होता है वो आपके टोटल कनेक्टेड लोड का 70% या 60% ऐसा कुछ करके आता है। तो लेकिन पहला स्टेप लोड प्रोफाइल का होता है कि हम टोटल कनेक्टेड लोड की कैलकुलेशन करें, ताकि हमें पता हो कि हमारा कनेक्टेड लोड है कितना। उसके बाद अगली चीज होती है कि लोड कर्व्स को प्लॉट करना, लोड के पीएमटी पे किस तरीके से लोड आ रहा है उस लोड को प्लॉट करके आगे उसके आइडेंटिफिकेशन पे जाए। अब उसको करने के लिए हमारे पास दो तरह की चीजें आती है, लोड कर्व एंड देन लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड कर्व हम लोगों ने जिस तरह बनाना सीखा उसी तरह सिमिलरली लोड प्लॉट किया जाता है, लोड कर्व प्लॉट किया जाता है। अब इसको प्लॉट करने के लिए डेटा की कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम लोग आर्ली हिसाब से मीटर से बड़े आराम से ले सकते हैं जो पीएमटी पे लगे होते हैं। अगर स्मार्ट मीटर है तो आर्ली इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से ट्रांसमिट हो रही होगी मेन सेंटर पे। अगर मीटर नहीं है तो हर आर आके नोट करके मीटर की रीडिंग इसको लोड कर्व को बड़े आराम से बनाया जा सकता है। सिमिलरली जब लोड कर्व बन सकता है तो लोड ड्यूरेशन कर्व भी बड़े आराम से प्लॉट किया जा सकता है। फिर लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व को देखते हुए हम लोग मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड, एवरेज जो डिमांड हमारी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करके फाइनल एक लोड प्रोफाइल बना सकते हैं। तो लोड प्रोफाइल में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, कितना कनेक्टेड लोड है, कितनी मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम डिमांड कितनी आ जाती है, कितनी देर के लिए आती है, एवरेज लोड कितना चलता है, कितनी देर के लिए चलता है, मिनिमम लोड कितना चलता है, कितनी देर के लिए चलता है, किस टाइम चलता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक लोड प्रोफाइल के अंदर मौजूद होती है। अब ये लोड प्रोफाइल हर किसी के अलग हो सकती है, चाहे तो कोई बंदा अपने घर की लोड प्रोफाइल करना चाहे तो वो हाउस होल्ड प्रोफाइल भी, हाउस होल्ड लोड प्रोफाइल के नाम से भी उसको बना सकता है। वरना यूजुअली इनको कनेक्शन के हिसाब से देखा जाता है। अगर डिस्को के हिसाब से देख कह रहे हैं कि डिस्कोस जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे पीएमटी से प्रोवाइड करते हैं, मेजर मतलब जो उनका कनेक्शन का हब होता है वो पीएमटी होता है, तो वो पीएमटी से ही लोड प्रोफाइल्स को मेजर करते हैं और वहीं से सारा ट्रिप करते हैं। मतलब अब ये तो नहीं होता कि किसी भी एक घर में स्पेसिफिकली लोड शेडिंग कर दीजिए, पूरा का पूरा आइदर पीएमटी ट्रिप होता है या कुछ भी चीज ट्रिप नहीं होती, तो इस वजह से लोड प्रोफाइल्स को पीएमटी तक रखा जाता है। इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो अक्सर जो हमारे पास लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हमारे पास यूजुअली हर इंडस्ट्री का एक अपना पीएमटी होता है या अपना सबस्टेशन होता है, तो उनका इंडिविजुअल लोड प्रोफाइल भी काम का होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब अगर हम लोड प्रोफाइल की एडवांटेजेस की बात करें कि कहाँ का इंपॉर्टेंस है लोड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर जनरेशन पे। पावर जनरेशन के लिए लोड की प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो आपने किस तरह से जनरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं जिस कंपनी में आपके पास टोटल चार जनरेटर्स हैं, एक एक मेगावाट का एक जनरेटर है, टोटल चार मेगावाट की उस कंपनी की प्रोडक्शन है। अब अगर वो कंपनी को अपनी लोड प्रोफाइल सही से पता होगी तो वो उन चारों जनरेटर्स को बेटर चला सकते हैं, इफेक्टिवली चला सकते हैं। वरना ऐसा होगा कि ऐसे वक्त में जहां पे जनरेटर नहीं भी चलना होगा उनके चारों जनरेटर्स ऑन होंगे। तो इसके लिए हमारे लोड प्रोफाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें पता चल सके किस टाइम पे कितने जनरेटर चलने हैं, किस टाइम पे कितने जनरेटर नहीं चलने, जनरेटर की मेंटेनेंस कैसे होगी, जनरेटर की स्विचिंग कैसे होगी, किस तरह से लोड उन जनरेटर्स के दरमियान डिवाइड किया जाए। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि चार जनरेटर्स लगे हैं या दस जनरेटर्स लगे हैं, उनमें से एक आध जनरेटर हमारे पास बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, तो उस एफिशिएंट जनरेटर को हम कैसे कम यूज करें, ये सारी चीज भी हम लोड प्रोफाइल को देख के ही अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सारे इक्विपमेंट रखने के लिए, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स को रखने के लिए, केबल की साइजिंग को रखने के लिए, या फीडर की कितनी हमारे वैल्यू होनी चाहिए, उन सारी चीजों को रखने के लिए भी लोड प्रोफाइल का होना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी कोई एरिया पे नए ट्रांसफॉर्मर लगते हैं तो उससे पहले उसकी एक स्टडी की जाती है, जिसमें सारे की सारी उसकी लोड प्रोफाइल एरिया की
बनाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी मार्केट्स में, अब एनर्जी मार्केट्स जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी मार्केट्स अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती जा रही हैं, और अब हम ऐसी एनर्जी मार्केट्स में भी आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी नीड एनर्जी की पूरी नहीं हो रही तो आप मार्केट पर डिपेंड करके अपनी एनर्जी ले सकते हैं एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले या एक घंटा पहले। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एनर्जी की नीड है, ये सारी बातें भी आपको आपकी लोड प्रोफाइल ही बताएगी कि किस टाइम आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, किस टाइम आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी करेक्ट लोड प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, किस टाइम किस तरह बेहतर एनर्जी को मैनेज किया जाए, इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखने के लिए हमें लोड प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट बेसिकली हमको ये चीज़ बताती है कि किस तरीके से एनर्जी को बेटर यूज़ किया जाए, मैनेज किया जाए, किस टाइम पे एनर्जी बंद की जाए, कहाँ से एनर्जी हमारी एनर्जी लीकेज है जिसे रोका जाए, या कहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास एनर्जी ऑडिट से आती हैं। एनर्जी ऑडिट का भी पहला जो मेन पॉइंट होता है वो होता है लोड प्रोफाइल्स ड्रॉ करना। जब तक आप प्रॉपर लोड प्रोफाइल्स ड्रॉ नहीं कर सकते आप एनर्जी ऑडिट की तरफ नहीं जा सकते। लोड प्रोफाइल्स आपको मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड ये सारी चीज़ें बताती हैं, तो जब तक आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप प्रॉपर एनर्जी ऑडिट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लोड प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पे इंपॉर्टेंट हैं लोड फोरकास्टिंग के लिए। अब दरअसल जिस तरह हम ऐसे ऐसे जाते जा रहे हैं हम लोग लोड फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अब लोड फोरकास्टिंग से मुराद क्या है? सिर्फ लोड फोरकास्टिंग नहीं है, हमारे पास जनरेशन फोरकास्टिंग भी है। लोड फोरकास्टिंग से मुराद ये है कि प्रिडिक्ट करना कि हफ्ते बाद हम कितना लोड यूज़ करेंगे या महीने बाद हम कितना लोड यूज़ करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नया जनरेटर इंस्टॉल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतनी वैल्यू का जनरेटर इंस्टॉल करूं कि मेरी अगर प्रोडक्शन बढ़ भी जाए या मेरी मतलब कंजम्पशन अगर बढ़ भी जाए तो जनरेटर मुझे अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे कि मेरा लोड आराम से कवर कर सके। उसके लिए लोड फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोड फोरकास्टिंग के लिए भी पहला जो मेन स्टेप है वो होता है ड्रॉइंग द लोड प्रोफाइल, प्रिपेयरिंग द लोड प्रोफाइल। उसके लिए आपको लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, कनेक्टेड लोड कैलकुलेशन, मैक्सिमम डिमांड, कोइंसिडेंट डिमांड, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है जो कि फिर से आपकी सब लोड प्रोफाइल के अंदर आती हैं, और इसकी बुनियाद लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व से ही आती है। तो इस लेक्चर में भी इतना ही था। इसमें हम लोगों ने ओवरऑल लोड प्रोफाइल को देखा, लोड ड्यूरेशन कर्व को देखा, और इससे पहले हम लोगों ने लोड कर्व को देखा। तो अभी इन दो लेक्चर्स में हम लोगों ने तीन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, अगला लेक्चर जो आएगा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग जो इकोनॉमिक साइड है डिस्ट्रीब्यूशन की उसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, यूटिलाइजेशन फैक्टर एक्सेट्रा। थैंक यू।